2024 में शुरू करने के लिए सात ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनको आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, प्रॉफिट काफी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन और एक बात कहना चाहूंगा पहले ही, वो ये है कि ये जितने भी आइडियाज है आप चाहो तो खुद कर सकते हो या फिर किसी स्टाफ को रख के साइड से इन बिजनेस को करना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो का लाइक्स टारगेट मात्र 15 है, कृपया इस वीडियो को लाइक करके पूरा कर दे। दोस्तों, ऐसे तो इस चैनल पर तरह तरह के बिजनेस आइडियाज तो आपको बताते ही रहते हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो पर आप लोगों को खास तौर पर 7 फूड रिलेटेड बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे, जिसमें डेली के काफी कम इन्वेस्टमेंट होंगे और उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफा 4 या 5 गुना होगा। और एक बात, जो भी फूड बिजनेस आपको खोलना होगा उसको आप लोग सबसे पहले तो घर में ही बनाने का कुछ दिन कोशिश कीजिए, ताकि मार्केट में आप लोग टेस्टी फूड आइटम प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए देखते हैं फटाफट से 7 फूड बिजनेस के बारे में। नंबर 1, मोमो बिजनेस। भारत के लोग, खासकर युवा वर्ग, इस फास्ट फूड को काफी पसंद करते हैं। शहरों में इसका क्रेज गजब का है। आप चाहे तो अपने नजदीकी शहर में इसका स्टॉल लगाकर हजारों लाखों में कमाई कर सकते हैं। अपने मोमोज के बिजनेस को थोड़ा सा अनोखा बनाने के लिए आप लोग तरह तरह के मोमो बनाए, जैसे कि वेज, पनीर, चिकन और भी तरह तरह के मोमोज बना सकते हैं, ताकि आपका मोमो पूरे एरिया में फेमस हो जाए और आप लोग डेली कम से कम 6000 रुपए का मिनिमम सेल करके 2000 रुपए प्रॉफिट तो बना ही लो। नंबर 2, डोसा और इडली बिजनेस। आप लोग सुबह से शाम इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। आप समझिए कि अगर डेली 70 डोसा और 50 इडली भी बेच देते हो तो आप लोग का डेली सेल 5 से 7 हजार का हो जाएगा, तो आपको लगभग डेली 2000 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी। बस आपको ये आइटम लोगों को अच्छी क्वालिटी और टेस्टी देनी होगी, तभी लोग वापस आपके इडली डोसा खाने आएंगे। नंबर 3, अनोखा जलेबी और समोसा बिजनेस। देखिए, ओइसे तो जलेबी और समोसा तो बहुत से दुकान में बिकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अनोखे, टेस्टी और तरह तरह के टाइप के जलेबी और समोसे बनाना सीख जाते हो तो आप लोग एक स्पेशल जलेबी और समोसा कॉर्नर खोल सकते हैं, जहां पे लोग आपके अनोखे और टेस्टी जलेबियां और समोसे खाने आएंगे। किया आपको पता है कि मात्र 200 रुपए के खर्चे में ही 100 से 150 जलेबी बन जाते हैं, जिसको आप लोग बेच के 1000 रुपए का सेल कर सकते हैं, तो सोचिए 200 का खर्चा करके ही 800 का प्रॉफिट होगा। तो काफी तरीके का जलेबी और समोसे रहेंगे तो आपका सेल और प्रॉफिट मार्जिन भी 3-4 गुना हो जाएगा। सोचिए और शुरू करिए। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को एक बार किसी न किसी को जरूर शेयर कर दे, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4 में है मछली चिकन फ्राई का बिजनेस। मछली या चिकन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे नॉन वेज खाने वाले लोग बहुत ही पसंद करते हैं। पहले था कि मछली मुर्गा लोग अपने घरों में खाना पसंद किया करते थे, पर अब लोग मछली मुर्गा को फ्राई करवा कर कहीं बाहर शाम को अपने दोस्त यारों के साथ खाना पसंद करते हैं। ऐसे में आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, इसमें आपको 30 से 50% फायदा देखने को मिलता है। नंबर 5 में है चिने से फास्ट फूड स्टॉल। फास्ट फूड की बात हो और चाइनीज फास्ट फूड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाइनीज स्टॉल को लगाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइनीज में आप कई तरह के फास्ट फूड अपने स्टॉल पर रख सकते हैं, जैसे कि चाउमीन, मंचूरियन, एगरोल इत्यादि। आप बेहद ही कम लागत में इसका स्टॉल लगा सकते हैं। नंबर 6 पर है बिरयानी स्टॉल। बिरयानी एक ऐसा फास्ट फूड है जिसे आमतौर लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप कई भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बिरयानी का स्टॉल लगाते हैं तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। आप अपने बिरयानी स्टॉल में बिरयानी के साथ साथ उसमें पकोड़ा और कबाब भी बेचे, ताकि आपकी एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा सेल हो जाए। तो दोस्तों, अब नंबर 7 में है टोमेटो सॉस बनाना। यह एक शानदार व्यापार आइडिया है। ये स्वादिष्ट और स्वास्थ्य पूरक है और आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। स्थानीय बाजारों, रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर इसे बेचकर आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। आप विभिन्न रसों, मसालों के साथ खुद के फ्लेवर को शामिल करके अपने उत्पाद को विशेष बना सकते हैं। लोग आपके स्वादिष्ट टोमेटो सॉस को पसंद करेंगे और आपका व्यापार बढ़ेगा। इसमें कम निवेश और ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था 7 ऐसे फूड रिलेटेड बिजनेस आइडियाज जो आराम से कम पैसों में शुरुआत किया जा सकता है और अच्छा खासा पैसे इनकम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद और भी मजेदार बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।